हाय गाइस, दिस इज साक्षी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों के ना बहुत ज़्यादा टाइम से कमेंट आ रहे थे कि मैं आप लोगों के साथ सरोजिनी नगर का हॉल शेयर करूं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूं, एक से दो चीज़ लेती हूं और उसका फिर हॉल नहीं बन पाता। बट दिस टाइम ना मेरे पास बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं सरोजिनी नगर के, कमला नगर के, लाजपत नगर के, करोल बाग के। तो मैंने सोचा कि सभी का एक मिक्स हॉल आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि कौन सी मार्केट में क्या क्या मिलेगा। वीडियोस में आप लोगों के साथ ऑलरेडी काफ़ी सारी शेयर कर चुकी हूँ और न्यू मार्केट की फेस्टिव सीरीज भी आने वाली है, तो उसको देखने के लिए अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नाउ मूव ऑन टू वीडियो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ हम सभी की मोस्ट फेवरेट मार्केट जो है सरोजिनी नगर, और वहाँ से जो मैंने परचेज की थी ना वो थी ये शर्ट। अब ये आप देख सकते हो कि पहले तो मैं इसको पहन चुकी हूँ करोल बाग वाली मार्केट में, मैं इसको पहन कर गई थी। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ब्रीदेबल इसका फैब्रिक है और ये मैंने बॉयज़ सेक्शन में से परचेज की थी, यानी कि ये बॉयज़ शर्ट है जो मैंने परचेज की थी। नॉर्मल वाइट कलर की शर्ट है और लिवाइस लिखा हुआ है और इस तरह से इसमें काफ़ी सारे सिंबल्स बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट से, और ये आई थिंक हैप्पी लिखा हुआ है। वाइट बेस है इसका, ब्लू और ग्रीन एंड ब्लैक कलर के इसमें मिकी माउस भी बने हुए हैं। ये मिकी माउस मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था जिसकी वजह से मैंने ये परचेज की थी। तो इसके बैक में तो 3 से 4 मिकी माउस बने हुए हैं, साइड में आई थिंक साइड में यहाँ पर एक भी नहीं है। बट ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, मैं आप लोगों को पिक दिखा देती हूँ। मैंने ये डेनिम स्कर्ट के साथ पेयर अप की थी और ये आप देख सकते हो, ये है ज़ारा मैन, इस पे लिखा हुआ है ज़ारा की है ये। और आई थिंक प्राइस के हिसाब से ना इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और पैसा वसूल जिसको बोलते हैं ना, ये वो वाली मेरे को शर्ट लगी। और ये मैंने परचेज कहाँ से की है, बिग सी है ना, बिग सी जो मेन शोरूम है उसके सामने ही बॉयज़ की बहुत सारी लाइंस हैं शॉप की, तो मैंने ये उस वाली शॉप से परचेज़ की है, सेकेंड शॉप से। तो आप वहाँ से इसको ले सकते हो, वैसे एक ही पीस था और ये मैंने 250 रुपीज़ की ली थी। नेक्स्ट मैंने ली थी एक और टॉप, टी शर्ट टाइप टॉप है ये, क्रॉप में है और ये आप देख सकते हो ग्रीन, दो टाइप के इसमें ग्रीन दिए हुए हैं, एक वाइट है और नीचे इसमें इस तरह से नाइक लिखा हुआ है। अब ये ना क्रॉप टी शर्ट है, क्रॉप टॉप है ये, नॉर्मल राउंड नेक का टॉप है, 100 रुपीज़ की सेल में लगा हुआ था। ये ना मैंने ऐसे ही रख दिया था तो जिसकी वजह से आपको इसमें थोड़े से रिंकल्स लग रहे होंगे, बट हाँ फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा फाइन है, नाइकी भी लिखा हुआ है और ये मेरे को सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल गया था। ये भी मैंने बिक्सी वाली लाइन में ही थोड़ा सा आगे चलकर लेफ्ट हैंड पर जहाँ पर क्रिदम ट्रेडर्स है ना, वहाँ पर 100 रुपीज़ वाला स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ से मैंने ये परचेज की थी। कपड़ों में दैट्स इट, मैंने यही लिया था, बाकी मैंने वहाँ से लिए थे 3 पेयर ऑफ इयररिंग्स जिसमें से तीनों हुप्स थे, ठीक है मैं आपको बता दूँ। एक थे ये वाले ग्रीन कलर के, फैदर फैदर से इसके ऊपर लगे हुए हैं। सेकेंड थे ये वाले ब्लू व्हाइट एंड रेड कलर के, ये भी हुप्स हैं और ये पर्ल में हैं, इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक और मैंने लिए थे, उसके ऊपर सिपियाँ लगी हुई थी, वो अभी मैं कहीं रखकर भूल गई हूँ, बट किसी ना किसी वीडियो में मैं आपको पहने हुए दिख जाऊँगी, ठीक है। तो सरोजिनी नगर मार्केट से मैंने यही परचेज किया था। नेक्स्ट बारी आती है लाजपत नगर मार्केट। लाजपत नगर मार्केट से मैंने क्या लिया मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने वहाँ से ली ये वाली केपरी, रेड एंड वाइट कलर की, इसके ऊपर लिखा हुआ है कैनेडा, इसके ऊपर लिखा हुआ है कैनेडा। और बेस्ट थिंग इज इसके दोनों साइड पॉकेट है और काफ़ी डीप पॉकेट है, ये नहीं है कि छोटी सी दे दी और दैट्स इट, बट इसकी काफ़ी ज़्यादा डीप पॉकेट है। और इसमें जो ये स्ट्रिंग दी हुई है ना, ये स्ट्रिंग ये अंदर की साइड दी हुई है एंड नीचे से ये आप देख सकते हो इस तरह से नॉर्मल है। फैब्रिक इज हॉजरी, तो ये थी 200 रुपीज़ की, बिल्कुल भी कम नहीं की। जैसे ही आप एंटर करोगे वैसे ही लेफ्ट हैंड पर स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है वहीं पर, और वहीं से बिल्कुल कॉर्नर वाली शॉप से ही मैंने परचेज़ की थी 200 रुपीज़ की। नेक्स्ट मैंने वहाँ से ली थी लाजपत नगर से ही ये वाली ड्रेस। अब ये फालसा कलर जो होता है ना, ये वो वाले कलर की ड्रेस है, पर्पल का ही एक पार्ट है डार्क वाला, तो ऊपर से तो ये आप देख सकते हो नॉर्मल नेक वाली आपको ड्रेस दिख रही होगी और इसकी स्लीव्स भी बेल स्लीव्स जो होती है ना, वो वाली स्लीव्स हैं नॉर्मल जॉर्जेट में। बट इसका आप बॉटम पार्ट देखो, ये देखो
है ना, रफल रफल 4 लेयर्स इसमें दी हुई है, इतनी सुंदर इसकी फिटिंग आई, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और इसके साथ ना बेल्ट भी थी, तो ये बेल्ट तो मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, ये ट्रांसपेरेंट बेल्ट जो होती है ना वो वाली थी, तो इसकी जगह मैं ब्लैक लगा सकती हूँ, गोल्डन लगा सकती हूँ, सिल्वर लगा सकती हूँ, मेरे पास काफ़ी सारी बेल्ट्स हैं तो मैं उसके साथ इसको स्टाइल कर सकती हूँ। बट इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आई है, यहाँ से ये कम्प्लीट स्ट्रेचेबल है, ये आप देख सकते हो, तो मेरे से बड़ा साइज है उसको भी आराम से आ जाएगी। और ये स्ट्रेच होने की वजह से इतनी सुंदर बॉडी की शेप आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो थोड़ा सा जैसे ही मौसम ठीक होगा मैं इस वाली ड्रेस को पहनने वाली हूँ, अभी इस वाले मौसम में नहीं चलेगी क्योंकि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती, बट मेरे को मेरी बॉडी पर भी बहुत ही ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पर बैक पर भी मेरे को बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो मैं ये वाला फैब्रिक बहुत ही कम पहनती हूँ और इस वाले मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं। तो अक्टूबर और नवंबर में बेस्ट है, तो मैं इसको भी मार्केट पहनकर ज़रूर जाऊँगी। और ये थी 700 रुपीज़ की, अब ये वहाँ पर 700 रुपीज़ की मिल रही थी, बट अभी मैं रिसेंटली ही कमला नगर मार्केट गई थी, कमला नगर में सेम ड्रेस मेरे को मिल रही थी 550 रुपीज़ की। तो अगर आप ये वाली ऐसी वाली ड्रेस परचेज करना चाहते हो तो आप कमला नगर से कर लेना, वीडियो आएगी उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। स्टिल अगर आप लाजपत नगर के आसपास रहते हो तो मैं आपको शॉप बता देती हूँ, एंट्री से जो साइड में लेन है ना वहाँ पर एक शॉप है, पिंक नाम से कुछ, आई थिंक पिंक गारमेंट्स है या फिर क्या है, मैंने लास्ट टाइम भी उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो वहाँ पर बहुत अच्छी ड्रेसेस और टॉप्स मिलते हैं, तो ये मैंने वहाँ से परचेज की। और लाजपत नगर से मैंने एक चीज़ परचेज की थी, वो थी ये है मास्क चेन, इस तरह से मास्क में अटक जाती है, और ये मैंने मल्टी कलर में परचेज की थी, आजकल बहुत ज़्यादा इन है तो मैंने सोचा चलो यार ले लेते हैं। वहाँ पर पिंक वाली जो शॉप है ना उसके साइड में ही एक अंदर को मार्केट से जा रही है लेन है, उससे वहाँ से मैंने परचेज की थी 100 रुपीज़ की, 75 रुपीज़ से उनके पास स्टार्टिंग थी और 350 रुपीज़ और 500 रुपीज़ तक की काफ़ी सुंदर सुंदर मास्क चेन उनके पास अवेलेबल थी। तो ये तो मैं आई थिंक इसको ना नेक में भी इस तरह से पहन सकती हूँ और डबल करके भी पहन सकती हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी ये 100 रुपीज़ की। और लास्ट जो मैंने लिया था लाजपत नगर मार्केट से वो था ये ब्रेसलेट टाइप, इसको आप बोल सकते हो, अभी ना मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, जिसको बोलते हैं ना पीस, ये वो है, ये देखो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल यार ब्रेसलेट, ये इस तरह से रिंग में फिंगर में आके और इस तरह से आपको ये लुक देगा। इसके ऊपर ना लाइट ब्लू कलर के, ब्लू और ग्रीन सा जो मिक्स होता है उस कलर के स्टोन लगे हुए हैं, साइड में नॉर्मल जो सिल्वर कलर के स्टोन होते हैं वो लगे हुए हैं, एडजस्टेबल है, लूज या टाइट आप यहाँ से कर सकते हो, बट ये पहनने के बाद यार बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एक्चुअली मेरे घर में 2 फंक्शन आने वाले हैं तो दोनों में से एक में तो मैं इसको डेफिनेटली पहनने वाली हूँ, कलर मेरा दोनों में से किसी भी ड्रेस में मैच नहीं होता है, बट स्टिल मैं इसको किसी ना किसी ड्रेस के साथ ज़रूर पहनूंगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपनी ना लोकल मार्केट से भी कुछ शॉपिंग की है, तो अगर आप वो वाला हॉल भी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर बता देना, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मेरी लोकल मार्केट है लाल क्वार्टर कृष्णा नगर, एक दो बार मैंने आप लोगों के साथ वीडियोस भी शेयर किए हैं और दिवाली के टाइम पर फेस्टिव सीरीज में लाल क्वार्टर की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ लाने वाली हूँ। और ये मेरे को उन्होंने दिया था 400, वैसे इसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है, बट ये मेरे को 350 रुपीज़ का मिला था। सो द नेक्स्ट इज दिस मिकी माउस वाली फिर से शर्ट, मिकी माउस मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो ये नॉर्मल इस तरह से मिकी माउस बने हुए हैं पूरी की पूरी शर्ट में, कॉटन में है और ये भी ज़ारा बेसिक की है, ये मैंने परचेज की थी करोल बाग मार्केट से, ये आई थिंक मैंने 250 रुपीज़ की ली थी और ये थोड़ी सी मैंने ओवर साइज ली है ताकि मैं फ्रंट में इसके नॉट लगाकर इसको पहन सकूँ। इसका फैब्रिक भी है कॉटन, बहुत अच्छी है, अभी तक वैसे मैंने पहनी नहीं है बट हाँ पता चल जाता है कि फैब्रिक कैसा है और पहनने के बाद मुझे कैसा सा फील होगा। तो ये मैंने 250 रुपीज़ की करोल बाग से परचेज की थी, तो अगर आप सरोजनी में आपको ना मिले तो आप करोल बाग से भी ले सकते हो, जो वहाँ पर मंदिर है ना तो मंदिर के बाहर ही वहाँ पर भैया बैठे हुए थे सारी की सारी बॉयज़ कलेक्शन लगाकर, तो ये भी मैंने बॉयज़ कलेक्शन में से ही ली थी, करोल बाग से बस मैंने ये ही लिया था। अब बारी आती है रिसेंटली मैं जिस मार्केट में गई थी उसकी, तो वहाँ से मैंने काफ़ी सारी टॉप्स परचेज की हैं। सो दिस इज़ पर्पल कलर की टॉप, क्रॉप में है और यार कमला नगर ना एज़ कंपैरिजन टू अदर मार्केट्स थोड़ा सा महंगा है, कुछ चीज़ें महंगी हैं कुछ चीज़ें सस्ती हैं, जैसे मैंने वो आपको ड्रेस दिखाई वो लाजपत नगर में महंगी थी और कमला नगर में सस्ती थी, बट ये वाला टॉप मुझे कमला नगर में थोड़ा सा महंगा लगा। पर्पल कलर का टॉप है इस तरह से, यहाँ पर
सिंच्ड टॉप जो होते हैं ना, पीछे इलास्टिक दी हुई है ताकि आपकी बॉडी पे एकदम से हग हो जाए, फिट हो जाए, बहुत अच्छी सी शेप देते हैं ये वाले टॉप्स। और इसकी स्लीव आप देख सकते हो, ऐसे फूली फूली सी जो स्लीव्स होती हैं वो वाली है। यहाँ पर 3 बटन्स लगाए गए हैं इसकी लुक देने के लिए। फ्रंट में भी बटन्स हैं और ये शर्ट ही है एक तरीके की ना, ये शर्ट है। वैसे मैंने आप देखा है, मुझे लगा था ये टॉप है, बट ये शर्ट ही है। ये कंप्लीट बटन्स खुल जाएंगे, नीचे भी इसमें बटन लगाए हुए हैं। और ये इसमें काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल थे। सामने आप देख सकते हो कि इस तरह से प्लीट्स दी हुई हैं। तो ये मेरे को 300 रुपीज़ की मिली थी, इसमें बहुत सारे कलर थे, बट साइज़ यही था। और साइज़ आई थिंक ये थोड़ा सा ना बड़े को भी आ जाएगा, क्योंकि पीछे इसमें इलास्टिक है तो ईजिली आपको आ जाएगा। और ये मैंने ली थी मैकडी है ना, जो मैकडी के बाहर ही जो लाइन है वहीं से बिल्कुल बराबर में मैकडी के। एंड नेक्स्ट चीज़ जो मैंने वहाँ से लिया था वो था ये वाला टॉप। ये भी एक्चुअली शर्ट है, मुझे लग रहा है मैंने शर्ट्स काफ़ी ज़्यादा परचेज कर लिए क्योंकि मेरे पास शर्ट्स की कमी थी। यस, इसलिए मेरे को शर्ट अट्रैक्ट करी थी। पिंक और वाइट चेक्स में शर्ट है ये। स्लीव्स इसकी फुल हैं एंड फ्रंट में इसमें पॉकेट दी हुई है। टॉम बॉयश लुक जो होती है ना, बिल्कुल वो वाली है इसकी। एंड ब्रांड इज़, मैं देखती हूँ, लिखा है कुछ एबरक्रॉम्बी की, A&F की ये शर्ट है। और ये मुझे मिली है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ में। आई थिंक मेरे को इस बारी ब्रांडेड क्लोथ्स काफ़ी रीजनेबल प्राइजेस में मिल गए हैं। तो एंड ये भी क्रॉप में है, ये आप देख सकते हो, फ्रंट में इस तरह से नॉट आएगी, आप इजीली लगा सकते हो। और मेरे को लग रहा है मेरी जो वाइट जीन्स है ना, ये उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी, तो मैं इसको भी पहनने वाली हूँ। कॉटन में है, साइज इज M। ये कहाँ थी? अब जो कमला नगर में मैकडी वाली लेन है वहाँ से आप सीधे जाओगे ना बंगलो रोड, बंगलो रोड पर जो एंड में स्पार्क मॉल आता है, स्पार्क मॉल के जस्ट सामने साइड में ही लेफ्ट हैंड पर स्टॉल लगी रहती हैं काफ़ी सारी, तो वहाँ से मैंने ये परचेज की है 200 रुपीज़ की। आई थिंक मैं इस बारी आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन बता रही हूँ, अगर आप मार्केट फ्रीक हो ना तो आपको ये सारी की सारी शॉप्स और लोकेशंस पता होनी चाहिए। यार इतनी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ तो एटलीस्ट आपको लोकेशन और शॉप्स पता होनी चाहिए। तो ये मैंने 200 रुपीज़ की वहाँ से परचेज की थी। एंड नेक्स्ट इज़ ये छोटे छोटे से क्या हैं, तो ये हैं सॉक्स। ये 5 पेयर का सेट था, एक रेड भी है, तो इसमें ये सारे के सारे सॉक्स ही हैं। और ये ना फ्री साइज़ हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि ये फ्री साइज़ हैं, इस तरह से ये खुल जाएंगे। और अभी जैसे विंटर्स आ रही है ना, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आई थिंक सही रहने वाले हैं। वूलन तो मैं बहुत कम पहनती हूँ, बट हाँ इस टाइप के बहुत पहनती हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस पर मैं डिफरेंट डिफरेंट मैचिंग के सॉक्स पहन सकती हूँ। 100 रुपये के 5 मैंने ये लिए हैं, ईजिली आ जाएंगे। और फैब्रिक भी इसका काफ़ी अच्छा है यार, नेटी सा फैब्रिक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लास्ट ईयर भी मैंने लिए थे बट वो ऐसे नहीं थे, वो प्रॉपर नेट में थे, वो भी मेरे एक सीज़न उन्होंने निकाल दिया था, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर थे। एंड नेक्स्ट इज़ दिस नॉर्मल वाइट कलर की टी, लीवाइस लिखा हुआ है इसके ऊपर, 200 रुपीज़ की परचेज की है। ये भी मैंने एक्चुअली मेरे को इस टाइम लोकेशन याद नहीं है, बट हाँ जो मॉल के सामने वाली बंगलो रोड है ना, उसी रोड से मैंने ये परचेज की थी। और फैब्रिक इज़ सो गुड, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इसका। एंड मैंने जो साइज़ लिया है वो है एक्स्ट्रा स्मॉल, काफ़ी सारे साइजेस अवेलेबल थे उनके पास। लीवाइस स्ट्राउस इसके ऊपर यहाँ पर भी लिखा हुआ है और 200 रुपीज़ की मेरे को मिल रही, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा डिसेंट सी लुक जो होती है ना इनमें, वैसी सी लग रही थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई ये भी। एंड नेक्स्ट इज़ मैंने लिया था ये मास्क, इस पर लिखा हुआ है S, तो मैंने अपने नाम का ये मास्क लिया था 50 रुपये का, इस तरह से ये आएगा एस, बल्कि इस पर अच्छा सा नहीं लिखा हुआ, मेरे को पसंद सा नहीं आ रहा, बट हाँ एस था तो मैंने ले लिया 50 रुपीज़ का। ये तो आपको किसी भी मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज दिस स्टार वाले इयररिंग, ये आप देख सकते हो बड़े सुंदर से इसके स्टार हैं, स्टोन लगे हुए हैं। मैंने आपको फिर से बताया कि मेरे घर में एक पार्टी आ, दो पार्टी आ रही हैं, तो उसमें से एक के लिए मैंने ये लिए हैं। कौन सी शॉप से लिए थे इस टाइम याद नहीं है, जब कमला नगर मार्केट की वीडियो आएगी तब आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर दूंगी कि मैंने ये कौन से शॉप से लिए थे। 200 रुपीज़ के मैंने ये शॉप से ही लिए थे। एंड नेक्स्ट इज़ मैंने अगेन ये मैचिंग के लिए हेयर पिंस ली हैं। सो एक ये है, इसके ऊपर फ्लावर बना हुआ है, और एक ये है ब्लैक एंड सिल्वर में, इसके ऊपर वो बनी हुई है 50-50 ईच, तो ये मैंने ली थी। ये भी मैकडी के बाहर से ही ली थी, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है।
सो गाइज दैट्स इट। आई थिंक ये हॉल बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें परचेज कर ली और एकदम से नहीं की है, तो यही रीज़न होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं खरीदती रहती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ उसका हॉल शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि मंथ के एंड में मैं इस तरह से चीज़ें इकट्ठे करके आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी और हॉल लाया करूँगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है एक और मार्केट की और उसके बाद फिर से हॉल, क्योंकि सब कुछ प्री प्लान्ड है, प्री शूटेड है, प्री रिकॉर्डेड है, सिर्फ एडिटिंग रह गई है। तो वो सब देखने के लिए इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें। एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय गाइस।